सर मैं मल्टी रैक सिस्टम का असेंबली प्लंबिंग डिटेल्स बताता हूँ अभी, ठीक है। ये 3 लेवल सिस्टम है, NFT चैनल ऊपर का लेवल पे ही रखा है, बाकी पाइप्स हमने ऑलरेडी असेंबल का पैकिंग करके रखा हुआ है तो इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट इलस्ट्रेशन के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये अपना टैंक है, 50 लीटर का टैंक है, उसमें सबमर्सिबल पंप दिया है। सबमर्सिबल पंप में ये फ्लेक्सिबल ट्यूब कनेक्टेड किया है, और ट्यूब ऐसा इनलेट की तरफ आएगा, ऐसा असेंबली है। उधर से आके फिर नीचे आएगा और लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में जाएगा, ठीक है। तो ईच पाइप के लिए इनलेट्स दिया है और इधर एंड कैप से बंद किया है। ये कंप्लीट सेक्शन एक पैक आएगा, पूरा ग्लूड है, सॉल्वेंट से निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये अलग पीसेस में आएगा, आप असेंबल करते वक्त आपका लेंथ के हिसाब से कट करके डाल दीजिए। इधर एक वाल्व दिया है, वो प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए है, और नीचे भी इधर भी एक वाल्व आएगा, व्यू लगाया नहीं, इधर भी एक सेम वाल्व आएगा, तो दोनों दो लेवल का प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए, ये दोनों लेवल का एडजस्ट प्रेशर एडजस्ट हो जाएगा तो इधर अपने को बराबर प्रेशर आएगा, और पंप के अंदर भी फ्लो रेगुलेट करने के लिए ऑप्शन स्लाइटली दिया है। अब ये जो इनलेट पाइप है वो आपको इंसर्ट करने कैसा है बता देता हूँ। लगा के अंदर एकदम अच्छे से प्रेस करना और ये क्लैम्प डालना, ये पाइप क्लैम्प डालने से पहले एकदम अंदर जाना चाहिए, उसके बाद ही क्लैम्प लगाओ। और जब निकालने का रहेगा ये पहले प्लास्टिक क्लैम्प खींचना है, फिर इसके आगे वाला जो ये जो वाइट वाला प्रेस करके फिर पाइप खींचना है। तो दिस इज द इनलेट असेंबली।